दुनिया में माँ के बाद अगर सबसे खूबसूरत रिश्ता कोई है तो वो है दोस्ती का, जो अपनी माँ की तरह ही दोस्तों का ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, दोस्त इतने अच्छे होते हैं कि चाहे वो खुद कितने ही मुश्किल में क्यों ना हो, पर अपने दोस्त पर कभी कोई मुश्किल नहीं आने देते। और कुछ ऐसा ही स्वभाव रहा है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का, जो अपनी दोस्ती को अक्सर दिल से निभाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्हें अपना सच्चा दोस्त मानते थे, वही आज इनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। जी हाँ, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब, कैसे और क्यों मिथुन चक्रवर्ती के दोस्त उनके दुश्मन बन गए। नंबर वन, जितेंद्र। जी हाँ, सबसे पहले नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती के सबसे अच्छे दोस्त जितेंद्र का, जिन्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन खबरों की माने तो साल 1986 में जब दोनों एक साथ फिल्म स्वर्ग से सुंदर में काम कर रहे थे, तो उस दौरान जितेंद्र ने फिल्म के लीड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ बदतमीजी की थी। और ये सब मिथुन चक्रवर्ती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उन लोगों से नफरत करते हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते। बस इसी बात को लेकर ही दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नंबर टू, अमिताभ बच्चन। वह अभिनेता अमिताभ बच्चन भी मिथुन दा के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे और आज इनके दुश्मन बन चुके हैं। बता दें कि दोनों ने अपनी दोस्ती के खातिर एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें गंगा जमुना सरस्वती, अग्निपथ और दो अनजाने जैसी कई शानदार फिल्में शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें अमिताभ की मिथुन से दुश्मनी रखने की वजह की, तो बताया जाता है कि साल 1988 में जब दोनों फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में एक साथ काम कर रहे थे, तो अमिताभ ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ धोखा किया था। जी हाँ, उस समय अमिताभ बच्चन ने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए फिल्म डायरेक्टर से बोलकर मिथुन के कई सीन्स कटवा दिए। बावजूद इसके इन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से अमिताभ बच्चन से ज्यादा लोकप्रियता हासिल की, जिसे देख अमिताभ बच्चन काफी गुस्से में आ गए और तब से दोनों दुश्मन बन गए। नंबर थ्री, शत्रुघ्न सिन्हा। क्या ये तो आप सभी जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती एक समय में एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त थे, पर अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जी हाँ, और ये सब तब हुआ जब शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती और उनके एक करीबी दोस्त धर्मेंद्र के बीच आए। बता दें कि ये तीनों साल 1990 में आई फिल्म हमसे न टकराना में एक साथ नजर आए थे। सूत्रों के माने तो मिथुन और धर्मेंद्र की दोस्ती को देख शत्रुघ्न काफी जेलस हो गए और उन्हें अलग करने के लिए वो मिथुन के बारे में धर्मेंद्र को काफी उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। वही जब ये सब बातें मिथुन चक्रवर्ती को पता चली तो वो काफी दुखी हो गए और इसीलिए ही दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गए। नंबर फोर, बोनी कपूर। आखिर में नाम आता है मिथुन के उस दोस्त का, जिनके लिए कभी मिथुन कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की, जो मिथुन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। पर इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद दोनों आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और इसके पीछे की वजह है बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना श्रीदेवी। खैर, आप ये जानते ही हैं कि मिथुन की शादी योगिता बाली से हुई थी, मगर बावजूद इसके इन्होंने चुपके से श्रीदेवी से भी शादी कर ली, जिसके बारे में सिर्फ बोनी कपूर को पता था। मगर बोनी मन ही मन श्रीदेवी से प्यार करने लगे और श्रीदेवी को पाने के चक्कर में उन्होंने योगिता बाली को सब सच बता दिया, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी अलग हो गए और इसका फायदा उठाकर बोनी ने श्रीदेवी से शादी कर ली। वहीं से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वह आपके हिसाब से मिथुन चक्रवर्ती के इन दोस्तों में से किसने एक वाकई में इनके साथ धोखा किया, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।